Redmi Note 11 सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुकी है और नवंबर या दिसंबर के महीने में ये आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकती है। Note सीरीज Redmi की एक बड़ी सीरीज मानी जाती है, तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम Redmi Note 11, Note 11 Pro और Note 11 Pro Plus के स्पेसिफिकेशंस पर तो नजर डालेंगे ही, साथ ही साथ इन तीनों स्मार्टफोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करेंगे। हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग 91 मोबाइल्स, मैं हूं शिवम चौधरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले Redmi Note 11 स्मार्टफोन की बात करते हैं। ये स्मार्टफोन 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। Redmi Note 11 MediaTek Dimensity 810 चिपसेट पर काम करता है और यहाँ पर आपको Android 11 OS मिलता है जो कि MIUI 12.5 की कस्टम स्किन पर काम करता है। कैमरा की बात करें तो स्मार्टफोन में रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है जो कि एक डेप्थ सेंसर है। इसके अलावा स्मार्टफोन पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है जिसको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, GPS, USB टाइप सी पोर्ट और ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। एट लास्ट स्टोरेज वेरिएंट्स एंड प्राइस की बात करते हैं तो Redmi Note 11 का प्राइस शुरू होता है लगभग 14,000 रुपए से और इसमें आपको चार स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 4GB प्लस 128GB, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन की अब बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जिसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 चिपसेट पर काम करता है और यहाँ पर भी आपको Android 11 OS मिलता है जिसमें MIUI 12.5 की कस्टम स्किन दी गई है। नाउ मूविंग टू द ऑप्टिक्स, तो Redmi Note 11 Pro पर रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का Samsung HM2 सेंसर है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी में यहाँ पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन 5160 mAh की बैटरी के साथ आता है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको मिल जाती है और इसमें खास तौर पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए JBL के स्पीकर्स दिए गए हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, 5G, 4G, 3.5mm हेडफोन जैक इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो मेटल का है। स्टोरेज एंड प्राइस की बात करें तो Redmi Note 11 Pro का जो प्राइस शुरू होता है वो लगभग 18,700 रुपए से होता है और इसमें आपको तीन स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro के बारे में आपने सब कुछ जान ही लिया है, लेकिन Note 11 Pro Plus की ओर बढ़ने से पहले जरा इन दोनों स्मार्टफोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख लेते हैं। चलिए Redmi Note 11 एंड 11 Pro का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर नजर डालते हैं तो Note 11 में आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जबकि Note 11 Pro में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है। Note 11 का 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Note 11 Pro का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। दोनों पर कोडिंग और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन Note 11 Pro की डिस्प्ले HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करें तो Note 11 पर आपको MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट मिलता है तो Note 11 Pro पर MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट मिलता है। Redmi Note 11 पर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है तो Note 11 Pro पर UFS 3.1 है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो जहां Note 11 में चार स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं तो Note 11 Pro में तीन स्टोरेज वेरिएंट दिए गए हैं। बैटरी की बात करेंगे तो Redmi Note 11 की बैटरी 5000 mAh की है, 33 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ ही आती है, तो वहीं Note 11 Pro की जो बैटरी है ये 5160 mAh की है और ये 67 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कैमरास की बात करेंगे तो Redmi Note 11 पर आपको रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, तो वहीं Note 11 Pro पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी कैमरास दोनों स्मार्टफोन पर 16-16 मेगापिक्सल के हैं और ये दोनों ही स्मार्टफोन Android 11 MIUI 12.5 पर काम करते हैं। सो फाइनली अब Redmi Note 11 Pro Plus की बात करते हैं। ये स्मार्टफोन भी 6.67 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोर्निंग Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फोन काम करता है MediaTek Dimensity 920 चिपसेट पर। यह स्मार्टफोन भी Android 11 OS पर काम करता है जिसमें आपको MIUI की 12.5 की कस्टम स्किन मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो इसमें भी आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट पर यहां पर भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। यहां पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
खास बात यह है कि इस स्मार्टफोन में भी आपको JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं, मेटल का इसका फ्रेम है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर भी आपको 5G, 4G, LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS, NFC और USB टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। फाइनली अगर इसके प्राइस एंड स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें, Redmi Note 11 Pro Plus का प्राइस शुरू होता है 22,200 रुपये से। इस पर आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। चलिए अब Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों की डिस्प्ले साइज सेम मिलती है, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED, दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, लेकिन प्रोटेक्शन की यहाँ पर डिफरेंस है। Note 11 Pro पर कोडिंग Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है, Note 11 Pro Plus पर कोडिंग Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन है। दोनों स्मार्टफोन पर HDR 10 Plus का सपोर्ट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर MediaTek Dimensity 920 है। स्टोरेज टाइप दोनों की UFS 3.1 है, लेकिन यहाँ पर आपको Redmi Note 11 Pro पर तीन स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। तो वही Redmi Note 11 Pro Plus पर दो स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 11 Pro आगे है, इसमें आपको 5160mAh की बैटरी मिलती है, तो Pro Plus पर आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus पर 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है दोस्तों, जबकि Redmi Note 11 Pro पर 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप सेम है, ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड पर मिलता है, 108 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी कैमरा भी दोनों पर सेम है, 16 मेगापिक्सल, और दोनों ही एंड्रॉइड 11 में UI 12.5 पर काम करते हैं। So, दोस्तों आपने Redmi Note 11 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ अब तक जान लिया है। अब वीडियो को एंड करने से पहले इन तीनों ही स्मार्टफोन्स का एक बार साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों तीनों स्मार्टफोन्स का मेजर कंपैरिजन शुरू किया जाए। Redmi Note 11 पर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, तो Note 11 Pro पर 6.67 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, और Redmi Note Pro Plus पर भी 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है। Note 11 का 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि Note 11 Pro एंड Pro Plus का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। Redmi Note 11 एंड 11 Pro पर कोडिंग Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो Note 11 Pro Plus पर कोडिंग Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन मिलती है। Redmi Note 11 Pro इन Pro Plus पर HDR 10 Plus का सपोर्ट है, जबकि Note 11 पर नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 11 पर MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट आता है, जबकि Note 11 Pro एंड Pro Plus पर MediaTek Dimensity 920 चिपसेट आता है। Redmi Note 11 पर UFS 2.2 टाइप स्टोरेज आती है, तो 11 Pro एंड 11 Pro Plus पर UFS 3.1 टाइप स्टोरेज है। Note 11 के चार स्टोरेज वेरिएंट है, 11 Pro के तीन हैं, जबकि 11 Pro Plus के दो स्टोरेज वेरिएंट हैं। बैटरी की बात करेंगे तो Redmi Note 11 पर 5000mAh की बैटरी है, 11 Pro पर 5160mAh की बैटरी है, और 11 Pro Plus पर 4500mAh की बैटरी है। Redmi Note 11 पर 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 11 Pro पर 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो 11 Pro Plus पर 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कैमराज की बात करेंगे तो Redmi Note 11 पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि 11 Pro एंड Pro Plus पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन पर फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, और तीनों ही सेम UI पर काम करते हैं। So, दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको Redmi Note 11 सीरीज के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन ने, जो कि अपने प्राइस और स्पेक्स को बखूबी जस्टिफाई करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये भारत में लॉन्च होगा तो ये मार्केट में धमाल मचा सकता है। खैर ये तो थी मेरी राय, आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में से सबसे ज़्यादा किसने किया है इंप्रेस, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।